कार पार्क करी और देखो बिल्कुल कैसे मिल गई, स्पेस ही नहीं है बिल्कुल भी। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, देखो कैसे खड़ी है पार्किंग में बिल्कुल, क्योंकि चलान कटने का डर रहता है ना। वैसे तो यहाँ से निकल जाएगी या उसके पीछे खड़ी करता। यहाँ भी कितना प्यारा व्यू है ना, और देखो धूप थोड़ी देर में चली जाएगी, सनसेट दिखाता हूँ। और ये पाइनवुड लॉज, आ जाओ सनसेट देखते हैं, सनसेट यहाँ से काफी अच्छा दिखता है। योर डॉग सो यहाँ पे अफी बना हुआ है, अफी सनसेट थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा यहाँ पे। कितना अच्छा आ रहा है ना पूरा व्यू, बेहतरीन। तो भाई बंदर आ गया गबरू, और देखो इसके दांत, ये इधर से आएगा। नहीं नहीं इसके दांत ना, दांत टूटे हुए हैं, देखो कितना खतरनाक, नेचुरली कितना खतरनाक लग रहा है। तो भाई प्रॉब्लम पता है क्या है, ये अफी ना यहाँ पे बंधा हुआ है, और उस डॉग को उस बहुत सारे बंदर हैं जो उनको यहाँ से पास होना है। मैंने इनको बोला है जिन इनका डॉग है कि यहाँ से इसको ओपन कर लो, कभी हो जाए, ये भी डर रहा है ना। तो दोस्तों इकलौता यूट्यूबर हूँ जिसके सबसे ज्यादा व्लॉग्स हैं लैंडोर के और ऋषिकेश के और देहरादून के, सबसे ज्यादा व्लॉग्स मेरे ही मिलेंगे। हर जगह बंदर ही बंदर है, ये यहाँ पहुंच गया। सब बंदरों के भाई मुंह फटे हुए हैं, इतनी लड़ाई करते हैं ये सारे बंदर यहाँ के। बंदर आगे बराबर में, ये उसको देख रहा है, उसको देख रहा है ऊपर वाले को, ऊपर वाले हमें नहीं देख रहा। ये डॉग आ गया, ओ भाई लाइव होती तो ओ भाई बूमरैंग बन जाता। तो सर बना ले रील, तो भाई लड़ाई हो रही है लेकिन ये डर नहीं रहा। ओ भाई हॉर्न क्यों बजा रहे भाई साहब, नहीं एक तो डॉग है ना, एक मंकी है। बंदर आगे आगे, डॉग पीछे पीछे, बहुत सारे डॉग हैं, पूरी गली में एक्टिवेट हो चुके हैं, 1 2 3 4 और बंदर ही बंदर हैं, लेफ्ट में राइट में बहुत सारे। एक तो ये रहा बच्चा, बच्चे को लेकर बैठी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। ये बंदर तो हर जगह है, यहाँ भी है वहाँ भी है, पूरे घरों में तहस नहस करके भाई। यहाँ पे हर घर वालों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी, हर जगह बंदर ही बंदर है, इनकी तरफ देख भी नहीं सकते, अगर देखेंगे तो भाई गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पे लगातार फोटो खींच रहे हैं, लगातार फोटोग्राफी हो रही है, यहाँ पे मजा आ रहा है। और प्रीति को भी भाई, प्रीति बोल रही है कि बहुत क्लियर एनवायरनमेंट है, मेरे ख्याल से नैनीताल में भी इतना नहीं होगा ना। नहीं बिल्कुल नहीं है। और मैं totally, और मैं बताऊं ये तो हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, सिर्फ एक घंटे के लिए। हाँ। यहाँ पे अगर रुक जाए ना कोई एक दो दिन, मैं बता रहा हूँ अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है, नाइट का अर्ली मॉर्निंग का, मतलब मेमोरीज बन जाती है। यहाँ पे तो मैं रहा हूँ भाई, हाँ मैं तो रहा हूँ यहाँ पे एक हफ्ता, मुझे तो पता है, मुझे आज तक वो साल और वो दिन और वो महीने याद आते हैं। मैं वोल्फबर्न एस्टेट में रुका था, अब तो खैर वहाँ पे सील हो चुका है, वो आर्मी कैंट ने सील कर दिया है, और शायद इसलिए यहाँ पे जितने भी होटल हैं, जैसे मेरे पीछे आप पाइनवुड लॉज देख रहे हैं, और इसका 60,000 रुपये पर नाइट है, और जो रुपये मैनर है उसका 20,000-25,000 रुपीज़ पर नाइट वन रूम का, और भी यहाँ पे ला विला बैथने हैं उसका भी ऐसा ही है, बहुत महंगे महंगे हैं यहाँ पे। बेसिक रूम होंगे लेकिन बहुत महंगे होंगे, क्योंकि यहाँ की वाइब्स ही अलग हैं। या तो मुझे ऋषिकेश पसंद है, या फिर मुझे लैंडोर पसंद है, या फिर मुझे गंगोत्री और हर्सिल पसंद है, जो अपर हिमालय क्षेत्र है, जैसे कि केदारनाथ टेम्पल पे जाके अच्छा लगता है, या फिर रुद्रनाथ पे पहुँच के, या फिर मधमहेश्वर पे पहुँच के अच्छा लगता है। कुछ ही स्पेशल जगह है मेरे ख्याल से, या फिर बुग्याल हो गए, जैसे कि ओली का बुग्याल है, उसको बोलते हैं गोरसोन बुग्याल, या फिर और भी बहुत सारे बेदनी बुग्याल, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं बताऊँ अगर आपको घूमना है, बिल्कुल लिमिटेड जगह हैं जो बिल्कुल एक्सेप्शनल है, मेरे ख्याल से गिनती की 30-40 जगह ऐसी होंगी जो बिल्कुल एक्सेप्शनल है, उसमें लैंडोर का भी नाम आता है। तो एक्चुअली अभी प्रकाश अंकल की दुकान पर जा रहे हैं सिस्टर मार्केट में, तुषार को खाना है केक, यहाँ का आलमंड, फेमस आलमंड केक, जो मैंने पिछली बार भी दिखाया था आप लोगों को। वही तो भैया का घर यहाँ पर, जिनके मैं रूम में हमेशा रुकता हूँ ना, वो यहाँ पर रहते हैं, शायद उन्हीं की लड़की जा रही है वो। कितने प्यारे जगह है यहाँ पे, आ जाओ, क्योंकि मैंने आपको बोला था वुड स्टॉक स्कूल है यहाँ पे, तो वुड स्टॉक स्कूल के काफ़ी फ्रोनर यहाँ पे रहते हैं, जो कि आ रहे हैं अभी घूम के, ये वाली दुकान है, चलो चलते हैं। प्रकाश अंकल तो गए हुए हैं देहरादून, बाकी यहाँ पे एक ही केक बच रहा है, ये वाला है वो, ये वाला मैंने कभी नहीं खाया, ये वाला खा के देख ले, पर मुझे लग नहीं रहा कि ये उसको टक्कर दे पाएगा, है ना, यही है, चल तो ले ले, मम्मी को भी अच्छा लगता है ये, ले जाएंगे घर पे। स्पेनिश चीज़ है ये, देख कॉर्नीतोस तोर्तीला व्रैप, मेरे फ्रेंड है ना स्पेन के, तो इसी से बनता है तोर्तीला। चलो एक कैंडी ले लेते हैं, और ये कितने का है, ये 240 का है, ये 240 हो गया। एक चॉकलेट में यहाँ से ले गया था मिल्क वाली, है ना, वो कैमल मिल्क वाली, तो अब तक रखी हुई है। मन कर अच्छा, कि मैं इसका पूरा स्टडी करूं, नहीं पूरा स्टडी करो, इसकी पूरी हिस्ट्री देखो, ये बहुत गजब चीज है यहाँ की ना, ये देखो पुराने, मतलब जब अंग्रेजों के जमाने की, कौन कौन आया, कैसे आया, कब क्या होता था, ये तो बहुत यूनिक चीज है लैंडोर, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है। मोहित भैया की शॉप, नमस्कार अंकल जी, कहाँ है भैया, कहाँ है, ये एक बार पेंटिंग देख लेता हूँ, ये कितनी प्यारी है भाई, तो मैं ऐसा हो जाता है बिल्कुल,
बिल्कुल यहाँ पे। और दो चीजें कितनी प्यारी है, ये वाली गन देखो कितनी बड़ी है, शोपीस कितनी प्यारी लग रही है, एक वहाँ पे लगी हुई है वो रही। तो प्रीति ने यहाँ से भी कुछ शॉपिंग की है, देखते हैं क्या क्या है। ओह वाओ, द क्वीन ऑफ हिल, और यहाँ से जो मसूरी से देहरादून का व्यू आता है, नाइट व्यू। और लैंडोर के ये है जो, मतलब इसको क्या बोलते हैं, वो फ्रिज पे लगते हैं ये, मैग्नेट्स, फ्रिज मैग्नेट। चलो ठीक है, बंदर इनको कुछ नहीं कहते। अरे भाई ये तो प्रीति कितना डर रही है, छोटे से कितना डर रही है प्रीति, वो भी डर रहा है। लैंडोर की सड़के, सिस्टर बाजार की सड़के। आ जाओ भाग के इधर आना, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये तो इनवे क्या क्या नाम रखे हैं इसके, क्या क्या नाम रखे? चिन्नू मिन्नू, चिंटू मिंटू। अरे दूसरा डॉगी आ गया भाई, खतरनाक वाला डॉगी आ गया, इनको उठा लो। पता चला वो उनको, इनको खा गया, हालांकि इनका फादर होगा। ओ भाई मदर गई बचाने, कहीं कुछ करना दे वो डॉगी। कितनी प्यारी रोड है ना ये, है ना। और ये भी शायद देवानंद का घर है, मैंने पहले बताया था जहाँ तक है। भाई क्या व्यू हो गया, क्या व्यू है, क्या लाइटिंग है, सुपर। ठीक है, हमें काफ़ी देर हो गई भाई लैंडोर में, अब यहाँ से निकलते हैं। ये व्यू, अपनी कार इधर ठीक खड़ी है, फिलहाल चलान कटानी है। वैसे तो हर जगह वार्निंग है यहाँ पे कि यहाँ पर नो पार्किंग जोन है, कहीं भी पार्क आपको, कार आपको पार्क नहीं करनी है। अभी सीधा चलते हैं साउथ इंडिया वाले पे, स्वाद साउथ इंडियन पे। हाँ रियली में भाई, रियली में कार के अंदर बैठ के ना इतना सुकून मिल रहा है, ऐसा लगता है जैसे रजी ओढ़ ली हो। यहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, और अभी तो रात होनी शुरू हुई है, रात को देखना कैसे ड्रॉप होता है यहाँ पे टेम्परेचर। लाइन दिख रही है अभी, पता और ज्यादा अंधेरा हो जाएगा ना थोड़ी देर में, तब और क्लियर दिखती है। वाओ ये देखो भाई, मसूरी के लैंडोर से विंटर लाइन। तो सार के मोबाइल से और अच्छे से दिखाऊंगा, अभी तो मैं, प्रीति भी कोई मौका नहीं मिस कर रही है, बोला मैंने फोटो वोटो भाई रील वील जो बनानी है बना लो, बहुत बेहतरीन व्यू आ रहा है। तो भाई यहाँ से निकल गए हम लैंडोर से, है वो स्वाद साउथ इंडियन। और यहाँ पे एक्चुअली ट्रैफिक जैम लग गया, हमने कार जल्दी नीचे उतार ली, तो यहाँ पे कार पार्किंग ही नहीं है, तो वापस मोड़ के लाएंगे, ऊपर की तरफ खड़ी करेंगे, तब खाएंगे भाई। इन्होंने सब बनाया है, इडली बिडली डोसा सब कुछ। तो जाम क्लियर करके आए हैं भाई, और यहाँ पे कार पार्क कर दिए किसी लेंटर पे, और यहाँ से वापस जाएंगे कम से कम 500 मीटर। फाइनली पहुँच गए अपनी दुकान पे, स्वाद इंडियन पे। हेलो भैया। तो भैया मैंने पहले बताया लैंडोर आओ, तो मैं पहले भी आया था ना, स्नोफॉल हुआ था तब भी मैंने भैया को दिखाया था, बर्थडे सेलिब्रेट किया था यहाँ पे। और स्वाद साउथ इंडियन ये लैंडोर वाले रास्ते पे ही है। इस चौक को क्या बोलते हैं जो आपसे अगला चौक है, मुलिंगर चौक? मलिंगर चौक से पहले पड़ता है, और ये क्लॉक टावर के बाद पड़ता है ना। इस मार्केट को क्या बोलते हैं? ये मलिंगर की चौड़ाई।
अच्छा ये कुरली में पड़ता है या लैंडोर मार्केट पड़ता है? मलिंगार में। अच्छा मलिंगार में पड़ता है ये, चलो बहुत बढ़िया। हाँ लैंडोर के। तो भैया लॉकडाउन के बाद तो फिर इधर ही आके अपना काम कर लिया, काफी फाइव स्टार में काम किया है, बहुत अच्छा डोसा बनाते हैं। भैया की लड़की है देखो क्या कर रही है, पूरा कोरियन में लिख रही है, क्या कर रही है ये? छुटकी छुटकी देखो इतनी शर्माती है भाई, इतनी शर्माती है कि मुंह भी नहीं उठाना इसको ऊपर। यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से ये दिख गई। तो जो यहाँ पे ओनर है ना प्रवेश भैया, वो हिल्टन हयात और JW मैरियट हर जगह काम किया हुआ है, तो सोचो कैसा टेस्ट आएगा। यहाँ पे अपनी इडली आ गई है, डिप करके दिया भैया ने, अलग से मिल जाती है डिप करके भी दिया, देखने में पता चल रहा है अलग ही है। खुशबू भी देख कितनी अच्छी आ रही है और कितने मसाले डाले हुए हैं, है ना, देख के पता चल जाता है कितनी सॉफ्ट है। ये देख ना ऐसी कौन बनाता है ये बता, कहीं देखी है? ऐसी उतर रही है भाई, सांभर भी इनका गजब है। तो भाई चटनी भी आ गई अपनी तीनों तरह की, सुपर। मोमो भी ट्राई करेंगे भाई, और देखने में अच्छे लग रहे हैं भाई, मोमोज भी इतने अच्छे बनाए हुए हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल, बिल्कुल पतली लेयर है ना, अच्छे लग रहे हैं ना। तो सर खा के बता जल्दी, हमने इसलिए मंगा लिया, मैंने कहा यहाँ तो अलग नहीं, बस मुँह ना जल जाए छोटे उसको, है ना, अलग है ना, बढ़िया। अब कभी भी मसूरी लैंड ओवर आए तो आइए भैया दोस्त को लेकर यहाँ पे, ठीक है। तो अब आया है हमारा मसाला डोसा, ये है प्रॉपर यहाँ की ड्रेसिंग। तो भाई प्रीति ने मंगाया है पनीर डोसा, वाह कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहा तो सर कितना बढ़िया है, टेस्टी है ना, बहुत टेस्टी है। चलो भैया चलते हैं ना, बहुत अच्छा लगा खाना खा के, फिर मिलते हैं अगले महीने। ओके देखो सब तारीफ कर रहे हैं, इसको ना रिव्यू करना, फीडबैक करना किस पे, गूगल मैप पे, गूगल मैप पे है ना, ठीक है। आपने फिर बाद में भूल जाते, चलो अभी ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दे गूगल मैप पे ओपन। क्या लगा सबसे अच्छा? चटनी। वैसे सभी का कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा। मैंने जो पनीर पनीर डोसा मैं कम खाता हूँ, डर लगता है जैसे उसका मन ना का ना, अच्छा नहीं लगता। इनका तो पनीर बेहतरीन था। सब्जी भी बनाते हो आप? सब्जी नहीं बनाते ना, सब्जी रोटी नहीं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे सब्जी रोटी मिल जाए तो और स्वाद आ जाएगा। चलो कभी आएंगे तो फोन करके आएंगे, ठीक है। तो भैया कह रहे हैं आपके लिए तो बनाई देंगे, चलो गूगल मैप पे सर्च करिए। अरे इसमें डाल देना स्वाद, स्वाद साउथ इंडिया आ गया। हाँ आ गया। चलो भाई सब रिव्यू कर देंगे। दोस्तों क्लॉक टावर की आवाज आ रही होगी आपको। तो रस्ते में थोड़ा स्टॉप करके बांडोगंज तो क्रॉस कर लिया, रस्ते में थोड़ा कार रोक के अभी कुछ फोटोग्राफी करते हैं। राइट साइड में मसूरी बिल्कुल क्लियर दिख रही है, बहुत शांति। लाइट लाइट जो कार की पुरानी कार की। तो ठीक है भाई हम पहुंच गए देहरादून और प्रीति जा रही है एकदम से, बस मिल गया भाई घर के पास ही, डिकलिंग से जाती है ये, और 500 रुपये में सीट मिल गया भाई दिल्ली तक के लिए, वैसे 900 में जाती है, इमरजेंसी में करिए जिंग बस। तो ये बस है भाई हमारे घर के पास ही जाती है दिल्ली की, आराम से लेट के चली जाएंगी प्रीति क्योंकि स्लीपर है पूरी, तो सिंगल वाली मिल गई है 500 रुपये, 500 550 में लेट के सफ़र होगा दिल्ली तक का, बढ़िया है एकदम से जल्दी। यहाँ पर खड़ी है इंटरसिटी स्मार्ट बस, ये काफ़ी लंबी है, तो रेड बस से सुविधा है। ये देखो ये तिब्बती मोनेस्ट्री का गेट है बिल्कुल पास में ही। घर पहुँचते पहुँचते बच गए 10:15 और ये खा रहे हैं केक जो सिस्टर बाजार से प्रकाश जी की दुकान से लाए थे, मम्मी को काफ़ी अच्छा लगता है ये। और तुषार ने आज इतने सारे फोटो खींचे, वीडियो बनाई हम सब ने, कि अभी ये इंस्टाग्राम पे रील डाल रहा है। नाम से इंस्टाग्राम पे दिखाइयो। तो प्रीति ना अपने गिफ्ट जो लैंडलॉर्ड से लिए थे वो सब यहीं छोड़ गई है, और देखो कितनी प्यारा, और ये लिए थे कुछ लैंडलॉर्ड के, और ये काफ़ी सारे लिए थे उसने, तो एक कोरियर करना पड़ेगा या नेक्स्ट टाइम आएगी तब लेगी। मैंने बॉक्स लिया था ना भाई, ये इतना हेल्पफुल है, देखो इसमें तो सारी चीज़ें ऐसे रख दो, इसमें ये सब मैंने अपना ट्राईपोड माइक हार्ड डिस्क और ये गिम्बल वगैरह सब रख दिया, और अब इतने सारे माले खाली पड़े हैं, स्पेस ही स्पेस हो गया। तो इसका इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छी चीज़ है, अमेजोन से ले लेना, शायद 1400 रुपये के करीब में पड़ेगा।